महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर अपने को दिया है। कार्तिक के महीने में सुन रहे हो, जो भगवान शंकर के पुत्र हैं श्री कार्तिकेय महाराज, जिनका जन्म इस कार्तिक के महीने में हुआ है। उस कार्तिक के महीने में जब आप कथा का तत्व ग्रहण करने के लिए बैठे हो, तो ये विचार करिएगा कि भगवान देवादिदेव महादेव के सुपुत्र षडानंद कार्तिकेय जी महाराज अपने भक्ति में इतने लीन हो रहते थे कि लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, भगवान नारायण, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा उन्हीं के पास आते थे। अगर कार्तिक के महीने में ये कथा आपको मिल रही है, कार्तिक के महीने में आप अगर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, तो ये विचार करिएगा कि मेरे बाबा की कोई साधारण कृपा नहीं हुई है, धूलिया वालों पर दम से कृपा हुई है, इसलिए ये कथा यहां 5 दिन की मिली। शिव कथा देती क्या है? कोई कहते हैं कि भगवान शंकर की भक्ति करने पर हमें मिलता क्या है? जितने भी भक्त आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, और इस धुलिया नगर के अंतर्गत कथा को श्रवण कर रहे हो, अगर कोई आपसे पूछे कि शंकर क्या देते हैं, तो शंकर केवल मनुष्य की जिंदगी में जीने का बल देते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। एक छोटी सी चाय की भी दुकान अगर आप खोलें, तो ये विचार कर खोलना कि मैं अपना कर्म पूरा करूंगा, और जब कर्म पूरा करूंगा तो मुझे उसमें फल जरूर मिले। हम हमारे लक्ष्य में पीछे ना हटे। जो अपने लक्ष्य से पीछे हट जाता है, कर्म करते करते पीछे हट जाता है, फिर उसका फल नहीं मिल पाता। अपने भीतर से अहंकार को निकाल कर बाहर फेंक देना, काम को निकाल कर बाहर फेंक देना, लोभ को निकाल कर बाहर फेंक देना। 5 दिन की शिव महापुराण की कथा आप सुन रहे हो, आप धूलिया के कितने बड़े भी सेठ हो, आपके पास में करोड़ों की जायदाद क्यों ना हो, कितनी भी फैक्ट्री तुम्हारी चल रही हो, कितना भी धन तुम्हारे घर में हो, तुम किसी भी पद के राजनेता अधिकारी हो, 5 दिन के लिए तुम अपना सत्ता, अपना वैभव, अपना धन अपने घर पर छोड़ो और कथा के पंडाल में बैठो, तो केवल शंकर के भक्त बनकर बैठो कि मुझे शिव की भक्ति चाहिए। एक कंकर बाहर पड़ा हुआ है, तुम चल के जा रहे हो, चुभेगा, तुम उस पे से भी निकल कर जा सकते हो। उस कंकर पे से तुम निकल कर जा सकते हो, तुम चल सकते हो, दिक्कत नहीं है। पर एक कंकर तुम्हारे जूते के अंदर भर गया तो तुम बहुत लंबा चल नहीं सकते। जब तक उस कंकर को तुम जूते के अंदर से निकाल नहीं दोगे, तब तक तुम लंबा चल नहीं पाओगे। उस कंकर को जूते के अंदर से निकाल कर बाहर कर दोगे, उस कचरे को जूते के अंदर से बाहर कर दोगे, तो तुम लंबा चल सकते हो। जिसके अंदर, जैसे जूते के अंदर कचरा है, कंकर है, तो लंबा नहीं चल सकते। अपने अंदर यदि अहंकार आ जाता है, तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई तक चल नहीं पाता, बहुत आगे तक बढ़ नहीं पाता। उसको बढ़ने के लिए, उसको चलने के लिए, भीतर के अहंकार को, भीतर के लोभ को, भीतर की तृष्णा को, भीतर की आसक्ति को, भीतर की वासना को, भीतर के अहम को उसे निकालना। भीतर का अहम जब समाप्त हो जाए, भीतर का अहंकार
जब समाप्त हो जाए तब परमात्मा की भक्ति मूल हो जाती है। महाराज शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीवन के लक्ष्य को पाना है, आगे बढ़ना है, मंजिल तक जाना है, बहुत आगे तक जाना है, तो अपने भीतर के अहम को, अपने भीतर के अहंकार को, अपने भीतर की तृष्णा को, अपने भीतर के लोभ को, अपने भीतर के अहम को आपको निकालना पड़ेगा। जब भीतर का अहम, भीतर की तृष्णा, भीतर का लोभ जब हट जाएगा तो भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं आपके नजदीक में, आपके करीब में आ जाएगा। शिव कब तक नहीं मिलते? शिव कब तक नहीं मिलेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है बाबा देवाधिदेव महादेव कब तक नहीं मिलते? कहा एक धोबी कपड़े को कब तक रगड़ता है? जब तक उसमें कोई दाग दिखता रहता है। जब तक उसमें कोई दाग नजर आएगा, जब तक उसमें कोई दाग दिखेगा, तब तक धोबी कपड़े को घिसता रहेगा, धोता रहेगा। जब दाग कपड़े में नहीं रहता, जब कपड़े में से दाग हट जाता है, दाग निकल जाता है, तब धोबी कपड़े को घिसना बंद कर देता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव कथा कहती है कि भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर कब तक नहीं मिलते? तो कहा जब तक हमारे अंदर क्रोध, अहंकार का छोटा सा भी दाग हमारे भीतर यदि है, तो भगवान जब तक उसको पूरा धो नहीं देता, तब तक मेरा भोलेनाथ मिलता नहीं, तब तक मेरा शिव नहीं है। जैसे धोबी कपड़े को धोता है, दाग रहा है, जब तक दाग समाप्त नहीं होता तब तक वो धोता रहता है, उस पर पाउडर लगाएगा, साबुन लगाएगा, गर्म पानी में डालेगा, खंगालेगा, घिसेगा, मलेगा, उसका दाग मिट जाएगा तो वो फिर घिसना छोड़ देगा, जब तक दाग नहीं हटता तब तक वो घिसता है, दाग हटा उसने घिसना। शिव भी जब तक आप भीतर अहंकार भरा हुआ है, थोड़ी सी तृष्णा भरी हुई है, थोड़ा सा क्रोध भरा हुआ है, थोड़ा सा अहम भरा हुआ है, वो घिसेगा, थोड़ा दुख आएगा, तकलीफ आएगा, कष्ट आएगा, तकलीफें आएंगी, थोड़ा दुख, थोड़ा कष्ट, थोड़ी तकलीफ जिंदगी में आएगी, पर घबराना नहीं है, हमें घबराना नहीं, बिगड़ेगा, थोड़ी जिंदगी में तकलीफें, दुख, कष्ट आ सकता है, पर घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना, सब चलता है। क्यों? आप लोगों ने गाय चराने वाले को देखा है कभी? जम के तो बोलो रे धुलिया वाले, जरा गाय चराने वाले को देखा है? बकरी चराने वाले को? ठीक है, बकरी चराने वाला बकरी चराता है, पानी भी पीता है, रेडियो में गाना भी सुनता है, बोलो सही है कि गलत है? छाता लेके चलता भी है,
रोटी भी खाता है, पर बकरी चराने वाले का ध्यान कुछ भी करे पर ध्यान बकरी पर रहता है। बोलो रहता कि नहीं रहता, जम के तो बोलो जरा, रहता है ना। बकरी चराने वाले का ध्यान बकरी पर रहता है, गाय चराने वाले का ध्यान, बोलते जाओ जरा, गाय पर रहता है, और दुनिया चलाने वाले का ध्यान दुनिया के एक एक व्यक्ति पर रहता है। बकरी चराने वाले का ध्यान बकरी पर रहेगा, गाय चराने वाले का ध्यान गाय पर रहेगा। वो कुछ भी करे पर उसका ध्यान गाय पर रहता है। रेडियो सुने, सोए, जागे, खाए, पिए, पर ध्यान गाय पर है। कुछ भी करे पर ध्यान बकरी पर है। उसी तरह जिसने ये दुनिया बनाई, जिसने ये सृष्टि बनाई, जिसने ये रचना करी, मेरे देवाधिदेव महादेव का ध्यान एक छोटा सा छोटा जीव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, कोई भी, उसका ध्यान सब पर। ऐसा कोई नहीं जिसपे मेरे भोलेनाथ जी का ध्यान है। पशुपतिनाथ का व्रत करती हैं माताएं तो भगवान से कह देती हैं, हम बड़े दुखी, हमने एक बार व्रत कर लिया तो हमारी सुनता क्यों नहीं, तेरी कृपा दृष्टि हम पर होती क्यों नहीं। भोलेनाथ जी कहते, जी जी घबरा मती, धोबी कपड़े को धोता है जब तक उसका दाग ना चले जाए, तब तक साबुन लगाता है, तब तक गर्म पानी में निकालता है, खंगालता है, कूटता है, पीटता है, कपड़ा साफ हो जाता है, फिर धोबी उसको नहीं धोता। भगवान कहते हैं, तूने एक बार पशुपति व्रत करा, काम नहीं हुआ, चिंता मत कर, थोड़ा सा दाग रह गया होगा, वो और धुल जान दे, फिर वापिस कर, नहीं हुआ काम, फिर वापिस कर, बाबा सुनेगा जरूर। एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को जो चढ़ाता है, थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा देवाधिदेव महादेव खाली नहीं छोड़ते, भंडार भरते जरूर, वो खाली ना छोड़ते, वो भरते जरूर है। कोई कहता है कि क्यों भटक रहे हो, क्यों जा रहे हो यहां वहां, हम कहते हैं तुम भटको भी मत, कहीं मत जाओ। तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय हो, तुम्हारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो, शिव मंदिर हो, शिवालय हो, उस शिवालय में जाकर एक लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाना प्रारंभ करो। जो प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल समर्पित करता है, उसका हाथ महादेव पकड़ लेता है, फिर ऐसे ही नहीं छोड़ता, उसको मंजिल तक पहुंचाकर छोड़ता। हाँ, थोड़ा कष्ट हो सकता है, थोड़ी तकलीफें आ सकती है, थोड़ा दुख आ सकता है, जिंदगी में थोड़े थोड़े तकलीफें हर मनुष्य के जीवन में आती है। कोई संत, कोई साधु, कोई गुरु, कोई ब्राह्मण, कोई बहुत बहुत बड़ा महाराज भी अगर तुमको कह दे कि उसकी जिंदगी में दुख नहीं है, तो समझ लेना कि झूठ बोल रहा। मेरे राम जी महाराज भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया, मेरे भगवान कृष्ण भी इस पृथ्वी पर जन्मे तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया, माता जानकी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया, राधा रानी भी इस पृथ्वी पर प्रगटी तो उनकी जिंदगी में भी दुख आया। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर तुम पैदा हुए हो, पृथ्वी पर अगर तुम आए हो, तो तुम्हारी जिंदगी में दुख ये नहीं कि नहीं आएगा, हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमारी जिंदगी में दुख, हमारी जिंदगी में तकलीफें आती है, पर वो दुख मिटेगा कैसे। राम जी का दुख कैसे मिटा था, राम पथ गमन में जहां जहां चलकर देखो, चलो अयोध्या से लंका तक गए, उसके बीच में जितने राम जी के मंदिर नहीं है, उससे अधिक शंकर जी के मंदिर हैं। उसका कारण केवल एक है, राम जी जहां रुकते थे वहां
शंकर भगवान के शिवलिंग की स्थापना करते थे, पूजन करते थे और वहां से फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर आगे बढ़ते थे। बिना शंकर की आराधना के, बिना शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाए बिना मेरे राम जी महाराज आगे बढ़ते ही नहीं थे। भगवान कृष्ण के जीवन का चरित्र उठाकर देखो, मेरे ठाकुर जी का नियम था एक लोटा जल चढ़ाए बिना कृष्ण आगे बढ़ते नहीं थे। श्री दशरथ जी महाराज के जीवन चरित्र को उठाकर देखिए, सूर्य नारायण भगवान को जल और शंकर भगवान को जल चढ़ाए बिना दशरथ जी महाराज आगे बढ़ते नहीं थे। श्री जनक जी महाराज के चरित्र को उठाकर देखिए, एक लोटा जल चढ़ाए बिना जनक जी महाराज अपनी सभा में नहीं जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनकी माता ने कहा कि बेटा सामने किला है और वो किला मुझे चाहिए, शिवाजी कहते हैं माँ क्या बात करती हो, ये किला वहां कितना कितना सैनिकों का बल भरा पड़ा हुआ है और मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी। जीजाबाई के शब्द जब श्रवण किए छत्रपति शिवाजी महाराज को, छत्रपति का संबोधन स्वयं उनकी माता ने दिया है, स्वयं उनकी माता। कह दिया जीजाबाई, सामने जो किला है वो मेरा है, तुझे मालूम है? हाँ मां, मैंने सुना है ये किला अपना है, फिर कब्जा दूसरे का है। छत्रपति शिवाजी ने कहा, बहुत भारी सेना है उसके पास में, बहुत बल है उसके पास में, सेना प्रबल है उसके पास में, मेरे पास इतनी सेना नहीं है। मां ने कह दिया, शिवाजी तेरे बस की बात नहीं है, मैं खुद जाऊंगी और किला लेकर आऊंगी। स्वयं शिवाजी ने सुना कि मां स्वयं किला लेने के लिए जा रही है, स्वयं किला मां। बोतल के दूध में और मां के दूध में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। बोतल का दूध और माँ के दूध में बहुत बड़ा अंतर होता है। बोतल का दूध पीने वाला भले हर हर महादेव ना कहे, पर माँ का दूध पीने वाला तो मुख से चिल्ला कर कहता है हार हार। और शिवाजी ने कह दिया, माँ तुझे जाने की जरूरत नहीं, अब मैं जाऊंगा। माँ कहती है सेना, शिवाजी कहते सेना की जरूरत नहीं है माँ, तेरा दूध पिया है, लज्जित नहीं होने दूंगा, सनातन धर्म की ध्वजा स्थापित कर। जब पूरा किला शिवाजी ने जीत लिया और मां के पास में आए, तब मां कहती है मेरा बेटा केवल शिवाजी नहीं छत्रपति शिवाजी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा बेटा है, साथ ले अगर कोई व्यक्ति अपने भीतर बल उत्पन्न कर। ये तूफान चलते हैं तो मालूम पड़ता है कि मजबूती कितनी है। कश्ती और हस्ती, कौन कौन? कश्ती नाव, कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है, कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। जब कोरोना जैसी बीमारी आई, बहुत बड़ा रोग चारों तरफ घर्षित होने लगा, कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, ऐसी ऐसी हस्तियां थीं जिन्होंने अपने खजाने खोल दिए और भूखों को भोजन कराया, प्यासों को पानी पिलाया, किसी को दवाई, किसी को गोली, किसी को ऑक्सीजन देते रहे। और कई कई शहर की ऐसी ऐसी हस्तियां थीं, बोल दूं, पक्का
जो धन को गले लगाकर पड़े रहे पड़े रहे पड़े रहे, ना दान कर पाए ना पुण्य कर पाए, आखिरी में उनको ही कोरोना हो गया। कश्ती और हस्ती का पता तूफान में चलता है। तूफान ज्यादा चल रहा है, कश्ती और हस्ती कितनी मजबूत है देखना पड़ेगा। आपका धन, आपकी संपदा, आपकी चक्री, हमने एक बार कथा में कहा था, हमारे दरवाजे पर भिखारी भीख मांगने के लिए आता है, तो भिखारी भीख मांगने नहीं आता, हमको ज्ञान देने आता है। भिखारी हमारे दरवाजे से रोटी मांगता है, भिखारी हमारे दरवाजे से भीख मांगता है, और हमारे दरवाजे के सामने आराम से बैठकर खाता है। और सेठ टिफिन रखा है, पत्नी फोन करके बोल रही है आज मैंने भोजन अच्छा बनाया है खा लेना। 11 बजे का टिफिन भेजा, 11:30, 12, 12:30, 1, 1:30, 2, कमाने में ऐसा लगा रहा कि 2:30 बजे रोटी खा रहा है। जिस रोटी के लिए तू इतनी मेहनत कर रहा है वो रोटी तू टाइम पे नहीं खा पा रहा, तुझसे तो अच्छा भिखारी। जो 10 घर से मांगता है पर भोजन भी टाइम पे करता है भिखारी, कभी लेट अबेर भोजन नहीं करता, टाइम पे। और जरूरी है कि भिखारी केवल वही होगा जो दरवाजे पर मांग रहा। भिखारी की 4 वैरायटी हैं, अलग अलग वैरायटी के भिखारी होते हैं। एक लड़का लड़की को ब्याहने के लिए गया, दरवाजे पे जाके खड़ा हो गया, दोस्तों ने कह दिया लड़की का बाप तेरे को गाड़ी देगा, बिना गाड़ी के तू मंडप के अंदर जाना ही मत। ये उच्च क्वालिटी के भिखारी है। तू मंडप के अंदर मत जाना जब तक तेरे को गाड़ी नहीं मिले। बाप से कहा कि मैं अंदर जब जाऊंगा, जब मुझे गाड़ी दोगे 4-व्हीलर, तो मैं तुम्हारी लड़की से शादी करूंगा। बाप ने बेटी को देखा, बेटी ने बाप को देखा, कोई बात नहीं, पिता ने जमाई को, दामाद को 4-व्हीलर गाड़ी दे दी। बेटी गाड़ी में बैठकर घूमने चली, चौराया आया, दरवाजे पर गाड़ी का कांच बजाया भिखारी ने, बेटी ने कांच नीचे करा, पर्स खोला, उसमें से 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए निकाल कर दिए। पति ने कहा दरवाजा मत खोल, कांच मत खोल, बाहर भिखारी है, वो कुछ मांगेगा। बेटी ने कहा मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं, उसने भी एक भिखारी को गाड़ी दी थी, तो क्या मैं भिखारी को नहीं दे सकता। मुझ में मेरे बाप के संस्कार हैं, अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को मेरे बाप ने खाली नहीं भेजा था, तो मैं भी अपने दरवाजे पर आए हुए भिखारी को कैसे खाली भेज सकती हूं, ये पिता के संस्कार कैसे भूल सकती। भिखारी की वैरायटी है अलग अलग, सारी वैरायटियां बताएंगे तो दूसरे दिन तुम कथा में नहीं आओगे। एक लड़की के घर से मांगा हुआ धन बहुत दिन तक नहीं चलता। माँ बाप अपने बेटे की शादी करें तो लड़की वालों के यहां जाकर इतना जरूर कहें कि हमें तुम्हारे घर से पैसा, धन, गाड़ी, बंगला नहीं चाहिए, पर अपनी बेटी जो देना ना उसको इतना संस्कार देकर भेजना कि घर के बुजुर्गों का आदर करे, बड़ों का सम्मान करे, सत्कार करे। धन से मूलता नहीं होती है, कार वाली बहू नहीं, संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी आपकी। बड़े बड़े लोग बहुत धन की ओर आसक्त होते हैं। हम पहले भी निवेदन करें, वाकर, लाकर और साकल,
जम के बोलो तीन चीजों के नाम, वाकर, लॉकर और साकल। साकल मतलब वो कुत्ता को जो बांधते हैं ना, वाकर मतलब जानते हो, पकड़ के जो चलते हैं बुढ़ापे। अभी अभी हम कोसी मथुरा में कथा कर रहे थे तो वहां के एक भक्त ने कहा, कोई उनके रिश्तेदार थे अग्रवाल जी के, तो उन्होंने हमसे कहा कि गुरु जी, उनके कोई परिचित थे अग्रवाल जी के, तो उनके रिश्तेदार ने कहा, गुरु जी बुढ़ापा बहुत सुनने के लिए होता है, सही है ना, कितना सुनना पड़ता। हमने कहा भैया बुढ़ापा ताने सुनने के लिए नहीं होता है, बुढ़ापा कथा सुनने के लिए होता है। बुढ़ापे में ताना सुना नहीं जाता, बुढ़ापे में कथा सुनी जाती है। कभी भी यह ना सोचे कि बुढ़ापा मिला है तो ताने सुनना पड़ेंगे, बुढ़ापा मिला है तो दुनिया के ताने सुनना पड़ेंगे, ना ना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ते चले जाए, घर से, बहुओं से, बच्चों से थोड़ी आसक्ति कम होते चलना चाहिए और भगवान से प्रेम बढ़ते जाना चाहिए। पर बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ता है, घर में इतना इतना तुम्हारी आसक्ति होती जाती है कि बहू जरा सा भी गुजिए की डिजाइन चेंज कर दे तो तुम तुरंत चंद्र घंटा बन जाती, तुरंत जरा सी गुलाब जामुन बहू बना रही थी और वो गुलाब जामुन में गुलाब ही नहीं आ पाया, जामुन जामुन रह गई, तो तुम्हारा क्रोध आ जाता। ना ना ना, प्रेम बढ़े तुम्हारा, कोई बात नहीं, आज बिगड़ी है ना कल सुधरेगी, आज नहीं बना पा रही है ना कल बनाएगी। पर कभी चार लोगों में ये मत कहो कि मेरी बहू को कुछ नहीं आता, ये बनाना नहीं जानती, ये नहीं जानती, इसके माँ बाप के यहाँ से ये सीख कर आई है, इसके पिता के घर से ये सीख कर आई है, ना कभी ऐसा संबोधन मत कहो। बेटी आपकी है, बहू आपकी है, आप बड़े हो, आप समझदार हो, अपना बचपन याद करो कि तुम्हारी सास ने तुमको सिखाया था, आज तुम्हें मौका मिला है कि तुम दूसरे के घर की आई हुई बेटी को अपने संस्कार देकर ढालने का प्रयास करो, ये आपकी जवाब। जो नहीं समझ पाता उसकी जिंदगी में फिर वो बल नहीं आ पाता। एक सास ने बहू से कहा, बहू जा हंडे में छाछ रखी है, बिलो ले उसको दही को। बहू ने छाछ बिलोना प्रारंभ करी, उसमें माखन आ गया। जैसे ही माखन आया तो बहू चिल्ला के जोड़ी, मम्मी आई, माखन आ गया। सास गुस्से में धनधनाती हुई आई, बहू में एक थप्पड़ दिया धर के। कल की आई ससुर का नाम लेती है। अब बहू को नहीं मालूम था कि मेरे ससुर का नाम माखन है, उसको नहीं। कल की आई ससुर का नाम लेती है, आज के बाद नाम लिया तो तेरी जीवान खींच लूंगी। 2 महीने के बाद मलाई फिर तैयार हो गई, बहू फिर बिलोने बैठी, फिर माखन आ गया। अब की बार चिल्ला के दौड़ी, मम्मी आई, ससुर जी हंडी में आ गया। अब इससे ज्यादा क्या बोल सकती है, क्योंकि ससुर का नाम नहीं लेना उसने, ससुरा हंडी में पड़ा। तो कश्ती और हस्ती का ठिकाना पाना महाराज बहुत विचित्र है। तूफान आता है, हवा चलती है, तब तुम्हारी मजबूती मालूम पड़ती है। दुनिया के लोग तुमको भटकाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें मार्ग से हटाने का प्रयास करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें ताना देकर अपशब्द कहकर तुम्हें भगवान के मंदिर से दूर ले जाने का प्रयास करेंगे, तुम्हें हाथ का लोटा पानी का छुड़ाकर तुम्हें दूसरी ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, पर आपके हाथ का लोटा, आपके हाथ का जल छूटना नहीं चाहिए। वाकर, लाकर और साकल, ये तीन
पर आज की पूरी जिंदगी चल रही है, बुढ़ापा वॉकर से निकल रहा है, जवानी साकल पकड़ के निकल रही है, और कई लोगों की जिंदगी, माताओं की जिंदगी लॉकर से निकल रही है कि मेरे पास लॉकर में इतना रखा है। हमारा निवेदन है, लॉकर में जो रखा हुआ है वो तुम्हारे काम आएगा कि नहीं आएगा, पर इस हृदय के अंदर अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान देवदिदेव महादेव का नाम तुम्हारे अंदर भरा पड़ा है तो ये अंत समय तक तुम्हारे काम जरूर आएगा और तुम्हारी जिंदगी सवरेगी। शिव कब मिलते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है। शंकर कब मिलते हैं? तो कहा शंकर के मिलने का सही समय, शंकर जब पूरा दाग को धो देते हैं, कष्ट देगा शिव, थोड़ी तकलीफ आएगी, थोड़ा कष्ट आएगा, थोड़ा दुख आएगा, थोड़ी तकलीफें बढ़ेगी, पर बाबा उस तकलीफ को मिटाएगा जरूर, करेगा। बोलबम का नारा है, अच्छी जम के बोलो जरा, बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल वो साधता है, संभालता है, और जब वो साधता है तो सुख मिलता है। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। भगवान ओघड़ी दातार का चरित्र कर, थोड़ा कष्ट जिंदगी में आता है पर हमें संभलने का मौका देता है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है, एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी के नजदीक में विराजमान थे, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी और भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे। बहुत सारी बातें भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कही। महालक्ष्मी शिव महापुराण की कथा है, थोड़ा ध्यान देना। बहुत सारी बातें भगवान नारायण लक्ष्मी जी से कह रहे थे। अब लक्ष्मी जी का ध्यान कहीं और लगा हुआ था, कई लोग कथा में आकर बैठते जरूर हैं पर ध्यान अगर कहीं दूसरी जगह लगा है तो उसका फल नहीं मिलता। फल की प्राप्ति तब है जब आपका शरीर कथा में है तो मन भी कथा में होना। अब नारायण कुछ कह रहे हैं, लक्ष्मी जी का ध्यान नहीं, लक्ष्मी जी का चित्त कहीं लगा हुआ था, कहीं अन्य जगह पर कहीं मन लगा हुआ। हम सीहोर अगर कोई आता है, कुबेरेश्वर धाम अगर कोई आता है तो हम उनसे कहते हैं, देखो कुबेरेश्वर धाम का मंदिर का निर्माण चालू है, धर्मशाला का निर्माण चालू है, गौशाला का निर्माण चालू है, वहां इतनी व्यवस्थाएं अभी नहीं है। आप अगर वीआईपी व्यवस्था देखने के लिए अगर आ रहे हो कि हमको वहां पर रुकने की व्यवस्था वीआईपी हो, भोजन व्यवस्था वीआईपी हो, तो हम उनसे कहते हैं कुबेरेश्वर धाम मत आओ। अगर आप कुबेरेश्वर धाम आए हो तो तुम्हारा सबसे मूल मन कंकर शंकर में होना चाहिए, और कंकर शंकर की जब पूजन करो तो तुम दिल लगा कर करना, तो बाबा वापिस जाओगे तो बेग खोलने नहीं देगा, उस बेग को लेकर वापिस बुला लेगा, ये शिव है। जो घड़ी अगर मन लगाकर नहीं बैठे हो, मन लगाकर स्मरण नहीं कर रहे, मन लगाकर कथा का रसतत्व ग्रहण नहीं कर रहा है, तो फिर उसका सुख नहीं है, कुछ भी उसका कोई फल नहीं है।
हृदय रखकर अगर कथा का लाभ ले रहे हो तो आपको उसका फल मिलेगा उसे। वो खाली नहीं जाते। शिव अगर पकड़े तो मन से पकड़े। आप अगर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाने जा रहे हो तो दिल से जाना, दिखावे से मत जाना। अगर किसी के दिखावे से जा रहे हो, दो तीन महीना चले गए, दो महीना चले गए, डेढ़ महीना चले गए, दिखावे से पहुंच गए, उसका कोई लाभ नहीं है हमारा। लाभ कब मिलेगा? जब आप उसका दरवाजा ना जाओ, उससे जो कहा जाए, दिल से जो कहते हैं वो श्रवण कर। आप आए जरूर हो शिव महापुराण की कथा में, पर मेरा बाबा तुमको क्या देकर भेजेगा ये तो तुमको मालूम पड़ेगा बाद में कि बाबा ने क्या दिया है। वो देगा वो किस रूप में देता है ये उसके ऊपर निर्भर। शिव कथा कर रहे, भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बात कर रहे हैं और लक्ष्मी जी अपने चित्त को नहीं लगा पाए, अपने मन से कथा नहीं सुन रही है, अपने मन से कोई बात संवाद लक्ष्मी जी नहीं कर रही है। लक्ष्मी जी का ध्यान बटा हुआ है और लक्ष्मी जी का ध्यान कहीं और। भगवान नारायण ने जब लक्ष्मी जी से प्रश्न किया, उस प्रश्न का उत्तर माता लक्ष्मी जी ने नहीं दिया, तब नारायण ने अपने नेत्र खोले, खोल कर देखा कि लक्ष्मी जी एक बैकुंठ में एक अश्व आया है, बैकुंठ में एक घोड़ा आया है, उस अश्व को उस घोड़े को माता लक्ष्मी जी देख रही है। मन नारायण भगवान के प्रश्न पर नहीं था, बात पर नहीं था, उनका ध्यान एक घोड़े पर था, एक अश्व पर था। कथा में आओ तो एक लक्ष्य लेकर आओ, मुझे कथा सुनना है, आगे बैठूं पीछे बैठूं कहां बैठूं, ये लक्ष्य लेकर आना। मेरा भोले बाबा जहां बिठा देगा वहां बैठकर कथा सुन लूंगी और बाबा का आशीर्वाद लेकर चलूंगी। वो जहां बिठाएगा वहां बैठूं। अब वो पुल तो नया था, उसका तो टेंशन नहीं था, पर जब चलते चलते वहां से आगे बढ़कर एक बीच में पुल आया, दो पुल थे, इधर वाला भी उधर वाला। अब वो पुल तो नया था, ये पुल पुराना था, और उस पे जब भक्त इतने सारे, अब हम उसको आविष्कार को बोल रहे आगे बढ़ा आगे बढ़ा। और वो आविष्कार वो बाजू में इधर अग्रवाल जी टंगे हुए थे इधर बाजू में, तो वो उनसे कह रहे बढ़ाओ। अब अग्रवाल जी तो खुद खिड़की में से टंगे हुए थे इधर पकड़े हुए, अब उन्होंने तीसरे से कहा आगे बढ़ाओ, तीसरे ने चौथे से कहा आगे बढ़ाओ, चौथे से पांचवें ने कहा आगे बढ़ाओ, और पांचवा व्यक्ति मालूम पड़ा बाजू में खड़ा था, अगले वाले पुल में बाजू वाले, और वहीं पर सारे भक्त खड़े। हम भी बाबा से कह रहे बड़ी मुश्किल से फंसे, पुल में दम नहीं दिख रही है, पर धूलिया वालों में बहुत दम है। ध्यान रखना अच्छे से ले। बाबा ने लाज रखी, जैसे धूलिया के लोग दमदार, सिद्ध हो गया पुल भी दमदार। और ऐसा लग रहा था भगवान जाने कि इतने, हम तो दो चार लोगों से पूछे धूलिया में इतने सारे हैं, तो वो कहे ये तो दिख रहे हैं आधे से ज्यादा बिल्डिंगों पे चढ़े हैं, बिल्डिंगों पे चढ़े।
शिव कृपा है। वास्तव में आप लोगों का प्रेम शिव जी के प्रति, शंकर जी के प्रति बहुत है, और मेरा कुबेर भंडारी खूब दे, खूब मेरा कुबेरेश्वर महादेव आपकी झोलियां ऐसी भरे, ऐसी भरे कि आप ऐसे ही शिव महापुराण की कथा करवाते रहें। आज ये भक्त लोग करा रहे हैं, फिर मौका मिले, फिर बाबा की कृपा हो, फिर बीच में एकाध बार आविष्कार जी को फिर पकड़ लेना, फिर बाबा की कृपा हो, फिर योग बने, फिर ऐसा योग बनकर ये भक्तों का भाव शिवमय होता रहे, इससे बढ़कर सुख नहीं। मौका मिला, सुनो, श्रवण करो और अपनी जिंदगी को धारण करो। कथा कोई भी कराए, उसको कोई हमें विचार नहीं करना कि कौन ने कराई, क्यों कराई, किस लिए कराई। अरे बिल्ली के भाग्य से छीका टूटे पर टूटा तो, और कथा तो हुई ना अपने क्षेत्र में, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। जीवन का एक लक्ष्य अपने भीतर एकाग्रित करिए, कथा रस तत्व को पाने का प्रयास करिए, मन लगाना। लक्ष्मी जी ने मन नहीं लगाया, भगवान विष्णु ने नेत्र खोल लिए, नयन खोले, देखा तो लक्ष्मी जी का ध्यान था एक घोड़े पर, एक अश्व पर जो बैकुंठ में घूम रहा। अच्छा, एक जगह पर यह कथा कही कि लक्ष्मी जी घोड़े को देख रही थी बैकुंठ में, तो किसी ने पत्र लिख